तो आइए होली स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो सब लोगों को, सारे पैनलिस्ट को, जी बिजनेस को, एंटायर टीम को, सारे व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली पिक में अनिल जी मैं लाया हूं एक स्टॉक जो बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको मैनर कुंडल जी ने पहले भी एक दो बार रिकमेंड करा है। स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI में निवेश करने की राय है। 170 के टारगेट्स हैं। अब देखना यह है कि होली पे ले रहे हैं ये टारगेट, दिवाली पे आते हैं या क्रिसमस में आते हैं। अनिल जी क्रिसमस तो मुझे मालूम है कब है, पर दिवाली मुझे मालूम नहीं है कब है। बट ये टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे 170 के। अनिल जी आज का जो स्टॉक है वो है MRPL। MRPL का अगर अनिल जी चार्ट देखें तो स्टॉक में करेक्शन आया और करेक्शन के बाद मुझे लगता है अनिल जी अब ये तैयार है वापस से चलने के लिए। MRPL को इन स्तरों पर खरीद करके चलना है। 37 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे, 37.25 पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। पहला टारगेट 43 रुपए का, 43 का, और दूसरा इवेंचुअल टारगेट है 46 रुपए का, 46 का। तो 46 तक जाना चाहिए MRPL पर खरीदारी के। होली पे जो पिक है वो स्टॉक है मेटल स्पेस, और मेटल स्पेस मेरे को अगला 10 से 12 महीने कंटिन्यूसली तेजी में लगता है। मेरे को लगता है स्टील अथॉरिटी सेल यहां से एक बड़ी तेजी दिखाएगा। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सेल में सेल नहीं करना है, स्टॉक का नाम है सेल, लेकिन इसको खरीदना है। कोई भी डिप अगर आती है स्टॉक के अंदर तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है। छोटे मोटे डिप जरूर आएंगे, होली से होली तक का पिक के अंदर सेल में खरीदारी करें। कल की क्लोजिंग 70-72 के आसपास थी, खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 65 तक तो डिप्स में खरीदारी करनी है। मेरे को जल्दी ही आने वाले दिनों में ये स्टॉक 3 डिजिट में दिखता है, जो कि 100 का लेवल जरूर दिखाएगा। ये हो सकता है कि होली से होली का पिक है, लेकिन ये पहले ही दिखा दे, इतनी तेजी है स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का जो मेजर और बढ़िया सपोर्ट है वो 58 से 60 रुपए के आसपास है। ऊपर में स्टॉक का पहला शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट होगा 80 रुपए का। ये ब्रेक होते ही स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस करेगा, तो ऑलमोस्ट ओवरऑल 100 के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है, जिसमें इमीडिएट टारगेट 80 का होगा। होली से होली तक के लिए सेल में खरीदारी करनी है, सेल में सेल नहीं करना है। बिल्कुल, मेरा स्टॉक है अतुल लिमिटेड, 7091 टू बी प्रिसाइज। ये बंद है कल का, और कल गिरते मार्केट में इसने ब्रेकआउट दिया है। मैं इसके दो टारगेट दूंगा, एक शॉर्ट टर्म टारगेट दूंगा जो 7500 है, 7500, और उसका स्टॉप लॉस होगा 6950। ये ट्रेडिंग व्यू है, और अगर आप एक साल डेढ़ साल का व्यू लेते हो तो 9.5 से 10 हजार ये स्टॉक जा सकता है, और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6500। आज जो पिक है, जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पोजिशनली हमें पोर्टफोलियो में खरीदना है, वो एक लार्ज कैप बैंक में ICICI बैंक पे खरीदारी की राय है। और अगर हम ICICI बैंक का मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट और डेटा प्लेसमेंट को देखें तो ICICI बैंक में एक जो न्यू ऑल टाइम हाई जब बना था जनवरी में, उसके बाद एक अच्छा रैली हुआ, और अब इस करेक्शन के बाद उसी लेवल पे स्टॉक आकर के अब ट्रेड कर रहा है जहां पे ये इनिशियली एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक हुआ है ICICI बैंक में वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए, और मेरा होली से लेकर दिवाली तक का ये पिक है। और मुझे लगता है कि अगर इसको दिवाली तक का समय दिया जाए तो इसमें 750 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, और अगर हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 490 का एक स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज होली पिक में मेरा ट्रेड होगा ICICI बैंक पे। ओके, तो ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय शुभम जी की तरफ से। एक रंगीन कंपनी लेके आए हैं जो अभी बहुत ज्यादा फ्लेवर में है, और वो कंपनी होली के लिए स्पेशल है, और वो है BPCL। ओके, BPCL को खरीदना चाहिए, टारगेट होगा 512 का। निवेश की राय, प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ रिफाइनिंग में एक्सपेंशन भी है, 100 बिलियन रुपीज का एक्सपेंशन है ये साल में FY22 में। और मुझे लगता है कि ये जो अनलॉक हो रहा है वैल्यू, ये जबरदस्त अनलॉक हो सकता है वैल्यू। तो ये होली को सेलिब्रेट करने के लिए और होली की मुबारकबाद सबको देने के लिए BPCL टारगेट होगा 512।